आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट कन्वर्जन के बारे में। अगर हमारे पास रेट पर फीट अवेलेबल हैं तो उसको हम रेट पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए दो तरीके हैं। मेथड नंबर वन, एज वी नो दैट वन मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। एक मीटर में इतने फीट होते हैं और एक फीट के लिए हमारे पास जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ हैं। एक फीट के लिए हमारे पास प्राइस ये है, तो 3.28 फीट के लिए हमारे पास प्राइस क्या होगा? तो जस्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो ये हमारे पास निकल आएगा 39.36, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 40 भी लिख सकते हैं। तो एक मीटर के लिए हमारे पास प्राइस होगा 40। इसके लिए जो सेकंड मेथड हैं वो ये है कि फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एज वी नो दैट सेंस वन मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, यानी एक मीटर में इतने फीट हैं तो वन फीट में कितने मीटर होंगे। वन मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, तो दोनों साइड को हम डिवाइड बाय 3.28 करेंगे, तो ये वन फीट इज इक्वल टू 1/3.28 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मीटर में इतने फीट हैं तो एक फीट में कितने मीटर होंगे, 1/3.28। एक मीटर एक फीट में हमारे पास जो मीटर है 0.304, यानी 1/3.28, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 0.304 मीटर, और इसके लिए हमारे पास जो प्राइस हैं वो 12 रुपीज़ हैं। यानी 0.304 मीटर के लिए हमारे पास जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ हैं, तो वन मीटर के लिए कितने होंगे। तो जस्ट इस साइड को भी हम डिवाइड करेंगे 0.304 के साथ, और इसको भी देखिए, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो वन बचेगा, तो वन मीटर इक्वल टू 1/0.304 और मल्टीप्लाइड बाय 12। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 39.47, यानी इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली 40 हम लिख सकते हैं। दोनों मेथड का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है सेम है, लेकिन सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट है। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह जो प्रॉब्लम नंबर टू है, इसमें हमारे पास रेट पर एसएफटी अवेलेबल है, लेकिन रेट पर स्क्वायर मीटर ये हमारे पास नहीं है, हम इसको फाइंड करेंगे। तो रेट पर एसएफटी इसको कैसे हम मीटर रेट पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी दो मेथड हैं। मेथड नंबर वन, एज वी नो दैट वन मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। एक मीटर में हमारे पास इतने फीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर हैं, तो इसको मैं दोनों साइड पर मैं स्क्वायर लूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। वन स्क्वायर मीटर में हमारे पास इतने, जब दोनों में दोनों साइड पर मैं स्क्वायर लूँगा तो 3.28 फीट इस पर भी स्क्वायर आएगा। वन मीटर में इतने फीट हैं तो वन स्क्वायर मीटर में इतने स्क्वायर फीट होंगे, तो ये स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 रुपीज़, क्योंकि ये हमारे पास एसएफटी है, तो हमारे पास टोटल प्राइस निकल आएगा 268.96, और इसको हम लिख सकते हैं 269। ये मेथड नंबर वन है। और मेथड नंबर टू, कि वन स्क्वायर फीट में इतने स्क्वायर मीटर होते हैं, तो एज वी नो दैट वन मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। एक मीटर में इतने फीट हैं तो वन फीट में कितने मीटर होंगे, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3.28 फीट के साथ, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3.28। तो वन फीट इज इक्वल टू 1/3.28 मीटर, और फिर हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर हैं। तो वन स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1/3.28 स्क्वायर, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो 1 square feet इज इक्वल टू 0.0929 स्क्वायर मीटर, यानी 1 square feet में इतने स्क्वायर मीटर होते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो प्राइस हैं वो 25 हैं। 0.0929 स्क्वायर मीटर के लिए इतने रुपीज़ हैं, तो 1 square meter के लिए हमारे पास प्राइस क्या होगी? तो जस्ट इसको भी डिवाइड करो 0.0929 से और इसको भी, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये तो कट जाएगा और हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 square meter इज इक्वल टू 1 divided by 0.0929 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये हमारे पास निकल आएगा 2.69 रुपीज़। यानी दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है, सिर्फ प्रोसेस का फ़र्क है। आपको जो भी आसान लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 3, हमारे पास रेट पर सीएफटी, इसको हम रेट पर क्यूबिक मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए भी 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 हमारे पास ये है कि 1 meter इज इक्वल टू 3.28 feet, 1 meter में इतने फीट हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक क्यूब हैं, तो इसको हम क्यूब लेंगे, बोथ साइड पर हम क्यूब लेंगे, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम क्यूब लेंगे। इस पर जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.28 क्यूब, और इस 1 क्यूबिक फीट के लिए हमारे पास जो प्राइस हैं वो 55 हैं। तो इसको हम ज़रब देंगे इसमें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1940, और इसको हम इफ्रेस इमेज कर निकल सकते हैं 1941। इसके लिए जो सेकंड मेथड है, इसमें ये है कि इसमें हम क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? एज वी नो दैट 1 meter इज इक्वल टू 3.28 feet, 1 meter में इतने फीट होते हैं, तो 1 feet में कितने मीटर होंगे? तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 feet इज इक्वल टू 1 divided by 3.28 meter, और फिर हम इसका क्यूब लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूब हैं, तो सिंपली इस बार हम क्यूब लेंगे, तो 1 CFT इज इक्वल टू 1 divided by 3.28 क्यूब, और फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 0.02833 क्यूबिक मीटर, यानी 1 CFT में इतने क्यूबिक मीटर होते हैं। और 1 CFT के लिए हमारे पास जो रेट हैं वो 55 हैं, यानी 0.02833 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास जो प्राइस है वो 55 हैं। तो 1 meter के लिए कितने होंगे? 0.0 इसको हम भी डिवाइड करेंगे 0.02833 के साथ, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कट जाएगा, हमारे पास 1 आएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 divided by 0.02833 multiplied by 55। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 1941। दोनों का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास सेम है, सिर्फ मेथड डिफरेंट है। आपको जो से भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकती हूँ। तो ये था रेट कन्वर्जन। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।